Hello everyone. Hello sir. Good morning. Thank you for giving me this opportunity. Presentation of mathematics in third semester. First of all, I would like to introduce myself. I am Pankaj Kumar, a student of Government Polytechnic Gaya. Now, to start my presentation, I am select topic integration in mathematics. सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो कि एक अति महत्वपूर्ण एंड मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में जानने से पहले हम इसका ज़रूरत जानेंगे कि क्यों आखिर इंटीग्रेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, इंटीग्रेशन जैसे शब्द का आविष्कार कैसे हुआ। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों मैथमेटिशियन ने इस पर विचार यहाँ से स्टार्ट किया कि जब जिसका किसी भी शेप का मान इनडेफिनेट शेप का जब हम उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए कई मैथमेटिशियन ने ऐसा विचार किया, तब जाकर इंटीग्रेशन जैसी शब्द का आविष्कार हुआ। तो इंटीग्रेशन जानने के पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है फाइंडिंग द फंक्शन फाइंड आउट करने का, हुज डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव गिवन दिया हुआ हो, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो और उसका फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, जिस प्रोसेस से हम उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, इसका उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। इट इज ऑल्सो सेड टू बी एंटी डेरिवेटिव, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, जब उल्टा हुआ तो इसीलिए इसे एंटी डेरिवेटिव भी हम कहते हैं। जैसे कि छोटा सा फिगर है, इसके माध्यम से समझाया गया है कि सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, जो एक्स के पावर फोर का डिफरेंशिएशन फोर एक्स के पावर क्यूब होता है। अब इसी को फोर एक्स क्यूब को मूल फंक्शन को, मूल रियल फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ होता है, उस फंक्शन प्राप्त करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उसे ही इंटीग्रेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, वी सेड टू बी, हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का कन्वर्जन है डेरिवेटिव टू ओरिजिनल फंक्शन, डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज़ इंडिकेट बाई इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है, इसमें एफ एक्स डी एक्स, जो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन है इसका इस प्रकार। इंटीग्रेशन इज मोस्टली यूज टू फाइंड द एरिया, इंटीग्रेशन का मोस्टली यूज हम एरिया फाइंड आउट करने में करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो मूल रूप से इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, फर्स्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे कि यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंबल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि दिखाया गया है, दिस इज इंडिकेट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस प्रकार से इसको इंडिकेट किया जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। डेफिनिट इंटीग्रेशन को हम उसको लिमिट लगाकर उसको इंडिकेट करते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये एक कर्व है जिसका कोई भी हम शेप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है कि सर्कल है, इसीलिए इसी प्रकार का शेप को एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा पॉइंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन या उसको तोड़ने के लिए एक पॉइंट पर तोड़ने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते थे, बट यहाँ इसको सबको जोड़कर एक बड़ा एरिया प्राप्त करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं।
ये इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ जो कि दिखाया गया है, ये लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है जो कि कर्व में दिखाया गया था। अब ना हम इसे जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स यानी फंक्शन का इंटीग्रल है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को, यदि कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, जैसे कि ये दिया गया है एफ एक्स एक फंक्शन है, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्राप्त होता है। और प्लस में ये कांस्टेंट टर्म ही होना जरूरी है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से यदि नहीं रहेगा तो हम कैसे पता चल करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म पहले था। इसका कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे कि एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। इसी प्रकार से साइन एक्स का फार्मूला हुआ माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स एंड टेन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स एंड कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। अब इसका रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कुछ सम रूल है, उसको हम रूल को अब देखते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सम यानी योग का इंटीग्रेशन, जोड़ का इंटीग्रेशन, तो यदि दिया रहेगा इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग कर देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इसी प्रकार डिफरेंस का ये एक मेथड हुआ, इसको अलग अलग करके हम लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसे ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। इंटीग्रेशन बाय मल्टीप्लिकेशन को ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। यहाँ पर जैसे कि एक्स इंटू वाई है डी एक्स है, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक्स वाई डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कई मेथड होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग 9th या 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कि किसी भी जैसे कि दिया रहेगा कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कि 2x या 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट डी। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट मानेंगे, लेट सब्स्टिट्यूट इसको करेंगे कि 2x या एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री। आप कोई भी यहाँ पर लेटर मान सकते हैं, इसको आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ से 2x dx बराबर dt, यहाँ से dx यहाँ पर आ गया, तो ये 2x dx हो गया, तो यहाँ से dx 2x dx यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसके जगह पर dt लिख देंगे। इसी प्रकार रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो कि यहाँ पर देख लिए, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम सिंपल फंक्शन में बदल के बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बेस्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन के जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है जो कि आई इक्वल टू,
आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, आई स्क्वायर डी एक्स। फार्मूलाज, फार्मूला जो हम यहाँ पढ़े हैं इस चैप्टर में, यहाँ जो फार्मूला पढ़े ये वाला एक नंबर, इसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। x के पावर n dx एक्स बराबर x के पावर n प्लस वन इंटू एन प्लस एक्स। ये मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि x के पावर 4 कोई, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको क्या करते हैं, तो 4 इसको x के पावर 4 माइनस वन इंटू 4 करते हैं। अब इसी को हटाने के लिए हम इसको x के पावर 4 में प्लस 1 करते हैं, जो यहाँ पर घटाए हुए हैं उसी को प्लस कर देते हैं, और जो यहाँ पर है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर n प्लस 1 करते हैं, जिससे कि ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 4, ये मूल फंक्शन के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस फार्मूला के अनुसार x के पावर n डी एक्स बराबर x के पावर n प्लस वन, एन प्लस वन प्लस c, c कांस्टेंट टर्म है क्योंकि डिफरेंशिएशन में c का मान जीरो हो जाता है, किसी भी कांस्टेंट मान का डिफरेंशिएशन करने पर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, इसीलिए कांस्टेंट टर्म का हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो x बराबर 2 प्लस 1 2 प्लस 1, यहाँ n की जगह 2 है तो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट टर्म, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। वी हैव सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे वी हैव i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सेम फार्मूला, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला जो यहाँ पर यूज किया गया है इसी फार्मूला के अनुसार हम यहाँ पर भी बनाएंगे, तो i बराबर ये x के पावर n, तो n n प्लस 1, एन प्लस वन वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो 2 है तो 2 है तो यहाँ से 1 प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, और एन प्लस 1 तो एन प्लस 1 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो एन प्लस 1 3, तो 3 से 3 कट गया यहाँ। इसी प्रकार ये भी, और देखिए कांस्टेंट टर्म है तो किसी भी कांस्टेंट का यहाँ पर जैसे कि डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाता था, बट यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला अप्लाई हम करेंगे जब, तो x के पावर n होगा तो x के पावर n तो यहाँ पर कोई नहीं है, x के पावर जीरो है, x के पावर जीरो तो x के पावर जीरो को हम वन मानते हैं, तो इसलिए हम 3 × 1 भी कर सकते हैं, तो वन मान लीजिए वन है तो 1 को हम x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो x के पावर 0 प्लस 1 बाई 1। इसके अनुसार ये आ जाता है कि x के वैल्यू यहाँ पर एक बढ़ जाता है, तो x के पावर 1, तो x के पावर 1 जो दिया गया है तो x के पावर 1 तो x यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर कटा के ये कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर लिख दिए। अब देख थोड़ा देख लेते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, डिफिनिट इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन एक लिए हुए हैं, जैसे कि दिया गया है एक्स स्क्वायर 0 से 2, यदि कोई ये मेरा फंक्शन है, ये कोई कर्व है, इसको इंटीग्रेट करना है या इतना दूर का एरिया फाइंड आउट करना है जो 0 से 2 तक का है, तो ये एक्स स्क्वायर कर्व है तो हम y बराबर x स्क्वायर है मान लेते हैं, ये ऐसा कोई सेफ नहीं निश्चित है, इसका दूसरा भी सेफ हो सकता है, तो v है x स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं उसी प्रकार इसको भी फाइंड आउट किए, बट यहाँ लिमिट है तो यहाँ से यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसके लिमिट के अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हायर लिमिट लिखते हैं,
यहाँ पर, अब फिर उसमें से लोअर लिमिट को घटा देते हैं तो जो हमें बचता है तो उसे ही वह हमारा इस पार्ट का एरिया हो जाता है। सो अब यहाँ पर जो फाइंड आउट किए इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एरिया 8/3 यूनिट स्क्वायर मेरा आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।